अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और रेड स्पॉट बायोलॉजी में हम टॉपिक 6E डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है नर्वस कंट्रोल, जो कि चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट विल अकर इफ़ द रिसेप्टर साइट्स ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आर ब्लॉक बाय अ ड्रग एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है या हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, या न्यूरॉन हो सकता है या फिर मसल हो सकता है, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात हो रही है। तो इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर आपको पता है कि कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। तो ये कह रहे हैं अगर कोई ड्रग जो है वो इसे ब्लॉक कर दे तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है इनहिबिशन ऑफ एसिटाइल कोलिन रिलीज। दिस इज़ द रॉन्ग आंसर, क्योंकि एसिटाइल कोलिन न्यूरो ट्रांसमीटर है जिसका ताल्लुक इस मेम्ब्रेन से नहीं होता, यानी यहाँ से रिलीज़ नहीं होता, ये यहाँ से रिलीज़ होता है। तो अगर आप यहाँ पर इस रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं तो रिलीज़ होने में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि वो इस बैग में पड़ा होता है। तो ये रॉन्ग आंसर है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर टू, इनहिबिशन ऑफ कॉलिनेस्ट्रेज। कॉलिनेस्ट्रेज वो एंजाइम होता है जो कि यहाँ पर लगा हुआ होता है मेम्ब्रेन के अंदर, इस मेम्ब्रेन के अंदर लगा हुआ होता है, और इसका काम होता है इस केमिकल को तोड़ना। तो चूंकि आप इस वाले न्यूरॉन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं या मसल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो इस एंजाइम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या लिखा हुआ है भाई, व्हाट विल अकर इन द रिसेप्टर साइट, खाली मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये कह रहे हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी अगर आप इसे ब्लॉक करें। इट्स वेरी ऑब्वियस कि इस केमिकल का, न्यूरोट्रांसमीटर का या एसिटाइल कोलिन का काम था यहाँ आकर बैठना, तब जाके आगे मसल कॉन्ट्रैक्शन होती। अगर आप इसे ब्लॉक करेंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, तो क्या होगा, मसल पैरालिसिस हो जाएगा। जाहिर सी बात है जब ये केमिकल यहाँ आकर बैठ नहीं सकेगा तो मैसेज आगे पास नहीं होगा, जब मैसेज आगे पास नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, और कंटिन्यूस अगर यही रहा तो मसल जो है वो पैरालिसिस हो जाएगा, मसल को मैसेज नहीं मिलेगा तो मसल किसी काम का नहीं रहेगा। तो अगर आप किसी ड्रग के जरिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक कर दें तो मसल पैरालिसिस हो जाता है। ना अगेन उसी केमिकल का नाम आ गया, विक्टम्स ऑफ क्यूरेट पॉइजनिंग दे डाई ऑफ एस्फिक्सिएशन। एस्फिक्सिएशन का मतलब होता है इनको जो है वो सांस नहीं आती, जिसकी वजह से इनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और घुटन से मर जाते हैं। बिकॉज द पॉइजन कॉजेज अ साइनेप्टिक ब्लॉक एट द जंक्शन बिटवीन द नर्व्स एंड द मसल इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग। हमने पहले भी अभी देखा था कि ये जो क्यूरेर है ये कहाँ जाकर एक्ट करता है, तो ये बेसिकली जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, अगर ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो मसल की मेम्ब्रेन है, तो ये इसके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से इसमें डीपोलराइजेशन नहीं हो पाती। ये पूछ क्या रहे हैं, द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन फेल टू बिकम डीपोलराइज, बता भी दिया इन्होंने, बिकॉज क्यूरेर इनहिबिट द एक्शन ऑफ व्हाट। अब ये पूछना चाह रहे हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। हमें ये तो पता है कि अगर क्यूरेर इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ से जो मैसेज है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज नहीं हो पाएगी। तो ये किस चीज़ को ब्लॉक कर रहा है, बेसिकली वो क्या चीज़ है जो यहाँ से निकल कर मैसेज आकर ट्रांसफ़र करती है, उसका नाम है एसिटाइल कोलिन। तो ये एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक कर रहा है कि ये जाकर इसके ऊपर बैठ सके। तो बेसिकली एसिटाइल कोलिन का समझ लें कंपेटिटिव इनहिबिटर होगा, जो कि इसको इसके रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होने नहीं दे रहा। तो दिस इज़ हाउ ये इनहिबिट कर रहा है मैसेजेस को ट्रांसफर करने से। और अगर यही एक्शन ये ब्रीदिंग मसल के ऊपर करे, वो मसल जो ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो पेशेंट जो है उसकी डेथ हो जाएगी एस्फिक्सिएशन से। द डायग्राम शोज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकरिंग एज एन एक्शन पोटेंशियल अराइव एट अ साइनैप्स। ठीक है, यहां पर कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, इन्होंने लेबल किया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 करके। द नंबर शोज द नंबर्ड एरोज रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो कोई चीज़ अंदर आ रही है, कोई चीज़ बाहर जा रही है, जैसे कि 1 पे कुछ अंदर आ रहा है, 2 पे कुछ बाहर जा रहा है, 3 पे कुछ अंदर आ रहा है, 4 पे कुछ बाहर जा रहा है, ये सब प्री साइनेप्टिक के अंदर हो रहा है, और 5 में जो अंदर जा रहा है वो पोस्ट साइनेप्टिक के अंदर जा रहा है। आपने बताना है कि ये कौन से सब्सटेंसेस हैं। तो जिसने भी साइनेप्स थोड़ा सा तमीज़ से पढ़ा है उसे अंदाज़ा हो जाएगा। देखें, यहाँ से जो है वो एक्शन पोटेंशियल चलता हुआ आ रहा है, जिसे हम कहते हैं प्रोपिगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। एक्शन पोटेंशियल किसके जरिए होता है, दो जो है वो कैटायंस होते हैं, एक सोडियम होता है और एक पोटेशियम। आपको पता है सोडियम जो है वो अंदर आता है और पोटेशियम बाहर जाता है, तो यही काम यहाँ से भी चलता हुआ आ रहा था, सोडियम अंदर पोटेशियम बाहर, सोडियम अंदर पोटेशियम बाहर, सोडियम अंदर पोटेशियम बाहर। तो ये जो 1 है ये बेसिकली सोडियम है। ठीक है, तो 1 में जहाँ जहाँ कुछ और दिया हुआ है उसको काट दें। तो सोडियम अंदर आएगा, कब तक आता रहेगा, सोडियम अंदर आना स्टार्ट होता है -65 mV से, और ये कब तक अंदर आता रहता है, +40 mV तक। +40 mV के ऊपर आकर सोडियम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, और अब क्या बाहर जाना शुरू होता है, अब पोटेशियम बाहर जाना शुरू होता है। तो पोटेशियम बाहर जाता रहता है कब तक, दोबारा -65 mV तक। दोनों में पोटेशियम दिया हुआ है, तो ये दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं। जब ये नर्व इम्पल्स एंड पर पहुंचती है ना, न्यूरॉन के एंड पे, तो फिर एक और आयन जो है ना वो अंदर आता है, उसके गेट जो है वो खुल जाते हैं, तो वो ये 3 है। तो वो चीज़ जो अंदर आती है वो है कैल्शियम। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है कैल्शियम, तो यही करेक्ट आंसर है हमारा। कैल्शियम अंदर आता है, कैल्शियम अंदर आने के बाद आपको पता है बैग होते हैं यहाँ पे, जिन्हें वेसिकल कहते हैं, उस वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो इस वेसिकल को फ्यूज़ करवाता है इस मेम्ब्रेन के साथ, जिसके बाद
एक चीज़ बाहर जाती है, वो जो केमिकल था इसके अंदर वो बाहर जाता है, जिसे आप न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो ये जो फोर है ये न्यूरोट्रांसमीटर है, नाम दिया हुआ है उसका एसिटाइल कोलिन। और जब न्यूरोट्रांसमीटर आकर अपने रिसेप्टर पर बैठेगा तो यहाँ पर अगले न्यूरॉन में सोडियम के दरवाजे खुलते हैं और सोडियम अंदर जाना शुरू होता है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है जो सी है। इम्पल्सिस ट्रेवल वेरी रैपिडली अलॉन्ग द नर्व टू द लेग ऑफ द लेग मसल ऑफ अ मैमल, ठीक है। विच फैक्ट अकाउंट्स फॉर द स्पीड, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, पहले उन्होंने पूछा था कि लेग से जो है वो दिमाग तक कैसे मसल कैसे इतना रैपिडली आ रहा है, अभी उल्टा पूछ रहे हैं कि दिमाग से लेग तक कैसे जा रहा है। तो वही आंसर है इसका कि हमारे पास माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, जो माइलिन की शीट होती है वो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, वो जो नर्व इम्पल्स है उसे डिस्पर्स नहीं होने देती बल्कि एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करवाती है। ये बड़ा आसान से क्वेश्चन है, विच डायग्राम इलस्ट्रेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन इन अ सेक्शन ऑफ एक्सॉन विच इज एट रेस्टिंग पोटेंशियल। यानी एक ऐसा न्यूरॉन ढूंढने की बात कर रहे हैं जो कि रेस्ट की कंडीशन के अंदर है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब भी न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो सोडियम बाहर ज़्यादा पोटेशियम अंदर ज़्यादा। जो न्यूरॉन है वो बाहर से पॉजिटिव होता है और जो न्यूरॉन है वो अंदर से नेगेटिव होता है। तो सोडियम हाई इसमें दिया हुआ है, सोडियम हाई इसमें दिया हुआ है, लो इसमें दिया है, तो ये हमारे आंसर नहीं है। पोटेशियम हाई इसमें दिया है, पोटेशियम लो इसमें दिया है, तो ये भी आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। दूसरा आप देख लें, चार्जेस पॉजिटिव बाहर है और नेगेटिव अंदर है, तो दिस इज द राइट आंसर। द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ साइनैप्स, ठीक है। पूछ रहे हैं व्हाट इज एक्स, तो आइडेंटिफाई कर लें भाई, ये प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है, जो कि बेसिकली एक एग्जॉन होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये साइनैप्टिक वेसिकल्स हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ फ्यूज़ हो गए हैं, यहाँ से केमिकल बाहर आएगा और ये बेसिकली वो रिसेप्टर हैं जिन पर ये आकर केमिकल बैठेगा। तो ये रिसेप्टर हैं किसके, न्यूरोट्रांसमीटर के। तो कॉमनली जो न्यूरोट्रांसमीटर का नाम आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं वो एसिटाइल कोलिन है। तो ये एसिटाइल कोलिन की रिसेप्टर साइट है। रिलीज साइट अगर मैं बोलूँ तो वो ये होगा, ठीक है, ये रिलीज साइट है। वेसल कंटेनिंग एसिटाइल कोलिन तो वो ये होगा, इसको अगर मैं लेबल कर दूँ। और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ये वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है। Now, which chemical substances are released from the regions X and Y? ये कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा, ये इसके ऑप्शन पहले आ गए। द डायग्राम शोज द साइनैप्टिक जंक्शन, ये साइनैप्टिक जंक्शन है एट मोटर एंड प्लेट। ये डायग्राम पहले भी आप देख चुके हैं। दिस इज द न्यूरॉन, दिस इज द मसल फाइबर एंड दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया। पहले इन्होंने तीनों का पूछा था, एक्स से क्या आएगा, वाई से क्या आएगा और इसको जेड का नाम दिया था। अब इन्होंने सिर्फ एक्स और वाई से पूछा है। तो सिंपल सी बात है यार, ये न्यूरॉन है, ये इसका एक्सॉन है, इसके अंदर ये साइनैप्टिक वेसिकल्स पड़े हैं, इनमें केमिकल होता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो एक्स से निकलेगा न्यूरोट्रांसमीटर और कॉमनली क्या देख रहे हैं आप, एसिटाइल कोलिन। वाई क्या है, वाई जो है ये मसल फाइबर के अंदर एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे क्या निकलता है, इससे कैल्शियम निकलता है। तो एक्स से निकलेगा एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो ये हमारे आंसर नहीं है। वाई से निकलेगा सोडियम आयन निकलता, तो कैल्शियम आयन निकलता है, तो ये हमारा आंसर है। नाउ द डायग्राम शोज एन एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, हमें नजर आ रहा है। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन था, ठीक है, रेस्टिंग न्यूरॉन था, फिर सोडियम ने अंदर आना शुरू किया तो ये डीपोलराइजेशन हुई, सोडियम के दरवाजे यहाँ बंद हुए, फिर पोटेशियम ने बाहर जाना शुरू किया तो ये रीपोलराइजेशन हुई, ठीक है। एट विच पॉइंट ऑन द ग्राफ इज द मेम्ब्रेन मोस्ट परमीएबल टू सोडियम, ऑब्वियस ये बात है, वो जगह जहाँ पर ये पूछ रहे हैं कब इनमें से कौन सा वो एरिया है कि जहाँ पर मेम्ब्रेन जो है ना वो सोडियम को अंदर आने की इजाज़त देगी। तो ऑब्वियसली वो क्या है, वो डीपोलराइजेशन है, यानी जब पोल्स चेंज हो रहे हैं, अंदर का जो न्यूरॉन के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो यूजुअली नेगेटिव होता है, तो जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है इस एरिया में, तो बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। इस वक्त जो है वो सोडियम को, सोडियम जो है वो जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है टू सोडियम। अगर यही मैं आपसे पोटेशियम के बारे में पूछूं तो वो आपका सी आंसर होगा। द डायग्राम शोज अ मोटर नर्व सेल, ये डायग्राम पहले भी आ चुकी है। विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स द ट्रांसमीटर सब्सटेंस, बहुत आसान सी बात है। इसमें से ए क्या है, ए डेंड्राइट है। डेंड्राइट का काम होता है मैसेज को रिसीव करके सेल बॉडी के हवाले करना। बी क्या है, बी एग्जॉन है, ठीक है, ये एग्जॉन जो बीच में पतला सा नजर आ रहा है। सी क्या है, सी माइलिन शीट है। डी क्या है, डी है हमारे पास एग्जॉन टर्मिनल। तो एग्जॉन टर्मिनल्स वो पार्ट्स होते हैं जहाँ पर बैग्स के अंदर, वेसिकल्स के अंदर भरे हुए होते हैं, क्या बैग्स के अंदर हमारे पास वो भरे हुए होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो वही पूछा है ट्रांसमीटर सब्सटेंस कहाँ होता है, तो वो डी में होता है। ये फिर ऑप्शंस पहले आ गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब जैसे आप खीरा काटते हैं पीसेस के अंदर, थ्रू अ न्यूरॉन एज सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये न्यूरॉन का ट्रांसफर सेक्शन है, यानी अगर ये न्यूरॉन था तो आपने ये स्लाइस काटा है, ठीक है, इस तरह से काटा है। अब ये आपको नजर आ रहा है, ये पूछ रहे हैं ये एक्स क्या है, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो न्यूरॉन, ये न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन के ऊपर एक कोई चीज़ लिपटी हुई है अनियन की तरह, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, तो ये कौन, ये कोई सेल है, क्या ये डेंड्रॉन है, ठीक है, ये डेंड्रॉन नहीं है, ठीक है। क्या ये एग्जॉन है, ये एग्जॉन भी नहीं है, ठीक है। क्या ये एक अदद एडिशनल सेल है, बिल्कुल सही है, ये श्वान सेल है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि श्वान सेल वो सेल्स होते हैं जो कि माइलिन शीट बनाते हैं, लेकिन
ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है, वैसे तो इसमें करेक्ट है लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नहीं है, बिकॉज अगर मैं इसके अंदर एक और ऑप्शन ऐड कर दूँ, न्यूरोग्लिया, क्या ये न्यूरोग्लिया है? यस, न्यूरोग्लिया भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि ये जो माइलिन शीट है, अगर तो ये बनेगी ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में, देखिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी कुछ न्यूरॉन्स जाते ऐसे होते हैं जो कपड़े पहने हुए होते हैं, तो अगर ये माइलिन शीट ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में बनेगी तो वहाँ पर शॉन सेल नहीं होते, वहाँ पर होते हैं ओलिगो डेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है ना, ये बेसिकली न्यूरोग्लिया है जो कि सपोर्टिंग सेल के अंदर आते हैं, ठीक है। न्यूरोग्लिया की मल्टीपल टाइप्स होती हैं, उसमें से एक साइड एक टाइप ये है, ये भी इसी तरह से रैप हो जाते हैं, लिपट जाते हैं किसी न्यूरॉन के अराउंड, तो वो माइलिन शीट बन जाती है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट होता तब, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ इन्होंने कि ये न्यूरॉन कहाँ से लिया है, क्या ये न्यूरॉन ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से लिया है या ये न्यूरॉन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से लिया है, तो अगर तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है तो आंसर सही है शॉन सेल, बट अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है तो आंसर होगा ओलिगोडेंड्रोसाइट या फिर न्यूरोग्लिया, ठीक है। तो यहाँ पर तो करेक्ट आंसर शॉन सेल है। नाउ फोर इवेंट्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस अक्रॉस साइनेप्सिस आर, ठीक है, हमारे पास ये साइनैप्स है, ठीक है, इसके अंदर चार इवेंट्स होते हैं, तो वो चार इवेंट्स उन्होंने दिए हुए। नंबर वन, डीपोलराइजेशन ऑफ द प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन, उसके बाद प्रोपेगेशन ऑफ द पोस्ट साइनैप्टिक एक्शन पोटेंशियल, इस मेम्ब्रेन के अंदर जो मैसेज आया उसका आगे जाना, प्रोपेगेशन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्रांसमिटेड सब्सटेंस, यहाँ जो केमिकल रिलीज हुआ था उसका टूटना, एंड रप्चर ऑफ द साइनैप्टिक वेसिकल, यहाँ जो बैग्स होते हैं उनका रप्चर होना ताकि केमिकल बाहर आ सके। आपको बताना है कि किस सीक्वेंस के अंदर जो है ना ये इवेंट्स होंगे, इन्होंने तो चार बता दिए कि ये चार होते हैं, अब बता दें पहले कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा, तो पहले आपको यहाँ से ढूंढना है, फर्स्ट से लास्ट इवेंट तक जाना है। तो देखें भाई, सबसे पहले वो काम होगा जो प्री साइनैप्टिक में होगा, फिर वो होगा जो पोस्ट साइनैप्टिक में होगा, ठीक है। तो ये प्री साइनैप्टिक वाला दिया हुआ है, ये पोस्ट साइनैप्टिक वाला है, ट्रांसमिटेड सब्सटेंस तो तब हाइड्रोलाइज होगा ना, तब टूटेगा ना जब उसका काम ख़त्म हो जाएगा, तो ये भी पहले नहीं होगा। तो सबसे पहला जो है ना वो इवेंट होता है वन, डीपोलराइजेशन ऑफ द प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, यानी यहाँ से जो मैसेज आ रहा है ना उसे हम डीपोलराइजेशन कहते हैं, ये मैसेज चलता हुआ आ रहा है, एक्शन पोटेंशियल चलता हुआ आ रहा है, जब वो एंड पर पहुँचेगा तो ये बेसिकली कहलाता है डीपोलराइजेशन ऑफ द प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। डीपोलराइजेशन हो गई, इस डीपोलराइजेशन के बाद जब ये एंड पर पहुँचता है एक्शन पोटेंशियल, तो कैल्शियम अंदर आता है, कैल्शियम अंदर आने के बाद इस बैग को फ्यूज करवाएगा इसके साथ, तो दिस इज कॉल्ड रप्चर। तो सबसे पहला इवेंट है वन, तो वन इनमें दिया हुआ है, इनमें नहीं दिया हुआ है, इनको काट दें। वन के बाद जो दूसरा इवेंट हो रहा है वो है फोर, तो इसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। बाकी देख लेते हैं, जब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ रिलीज़ हो जाएगा तो वो न्यूरोट्रांसमीटर आकर बैठेगा अपने रिसेप्टर पे, जब वो रिसेप्टर पे बैठेगा तो यहाँ पर मैसेज आगे जाएगा, दिस इज नोन एज प्रोपेगेशन ऑफ पोस्ट साइनैप्टिक एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, मैसेज जनरेट हुआ और वो इस न्यूरॉन के अंदर जा रहा है। तो फिर है फोर है, फोर के बाद वन है, अच्छा नहीं सॉरी, टू और थ्री के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, नहीं सही है ना, सही है, प्रोपेगेशन ऑफ पोस्ट साइनैप्टिक एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ वो प्रोपेगेट हो रहा है, वो आगे जा रहा है, अब मैसेज चला गया, अब इस केमिकल का न्यूरोट्रांसमीटर का काम खत्म हो गया, तो अब जो एंजाइम मौजूद होते हैं यहाँ पे वो इस न्यूरोट्रांसमीटर को हाइड्रोलाइज कर देंगे, यानी तोड़ देंगे। तो सबसे पहला इवेंट वन है, उसके बाद फोर है, उसके बाद टू है और उसके बाद थ्री है, करेक्ट आंसर आपका बी है। नाउ ड्यूरिंग सम सर्जिकल ऑपरेशंस द ड्रग क्यूरेयर विच हैज़ अ सिमिलर शेप टू एसिटाइलकोलिन, अब देखिए सिमिलर शेप जैसी इसने कहा तो इससे आपको क्या पता लगा ये किस तरह से बिहेव करेगा, कंपेटिटिव इनहिबिटर के तौर पर बिहेव करेगा। तो कुछ सर्जिकल ऑपरेशन के अंदर क्यूरेयर को इस्तेमाल किया गया मसल्स के अंदर ताकि उसे रिलैक्स किया जाए, क्यों, क्योंकि ये मसल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ब्लॉकेज करता है, एसिटाइलकोलिन को अपना काम करने नहीं देता, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो रिलैक्स हो जाएंगे। ये पूछ रहा है व्हाई डू द मसल्स बिकम वाई डू द मसल्स रिमेन रिलैक्स, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछना है, ये पूछना है कि क्यूरेयर किस तरह से काम करती है। नंबर वन, कैल्शियम आयंस कैन नॉट बी टेकन अप बाय द मेम्ब्रेन वेसिकल्स, नहीं, क्यूरेयर जो है ना वो कैल्शियम, ये वाला जो स्टेप है आपको पता है, जब मैसेज यहाँ पर पहुँचता है तो कैल्शियम अंदर जाते हैं, क्यूरेयर का प्री साइनैप्टिक से कोई ताल्लुक नहीं है, ये वर्क करती है पोस्ट साइनैप्टिक रिसेप्टर के ऊपर। तो नंबर टू, कोलिनेस्ट्रेज कैन नॉट रिमूव एसिटाइलकोलिन, इसका इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है, पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स आर ब्लॉक, बिल्कुल सही है, ये है पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर, क्यूरेयर आकर इसके ऊपर बैठ जाएगा, जब क्यूरेयर आकर इसके ऊपर बैठ जाएगा तो कौन नहीं बैठ सकेगा, एसिटाइलकोलिन, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, ठीक है। इस तरीके से ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देती और मसल पैरालिसिस हो जाता है, मसल रिलैक्स हो जाता है, तो इसे मसल रिलैक्सेशन के तौर पर इस्तेमाल भी किया जाता है। Now the graph shows the changes in the membrane permeability when a stimulus X is applied, ठीक है, to a neuron. Where is the point of maximum permeability of the sodium ions? बिल्कुल वही question पूछा हुआ है इन्होंने,
ये न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन के ऊपर था, स्टिमुलस अप्लाई किया गया इसे, जब स्टिमुलस अप्लाई किया तो सोडियम के दरवाजे खुल गए, सोडियम ने अंदर आना शुरू किया। जब सोडियम न्यूरॉन के अंदर आप ऐड करेंगे, न्यूरॉन पहले माइनस में था अंदर से, नेगेटिवली चार्ज था, जब आप उसमें सोडियम ऐड करेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज होना शुरू हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन होती है किसकी वजह से, सोडियम की वजह से। तो ए वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये जो वो है परमिएबिलिटी जो है वो सोडियम आयंस की वो बढ़ी हुई है। जो बी वाला पॉइंट है, इस पर सोडियम के दरवाजे बंद हो जाएंगे, ठीक है, तो परमिएबिलिटी इस वक्त जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। सी के ऊपर जो है वो पोटेशियम की परमिएबिलिटी बढ़ी हुई है। नाउ द डायग्राम शोज अ साइनैप्स, ठीक है, वही साइनैप्स है। इन पीपल विद लो ब्लड कैल्शियम लेवल्स विच स्ट्रक्चर विल बी अनएबल टू फ्यूज, स्ट्रक्चर्स दो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें फ्यूज होना था, जो कि कैल्शियम करवाता है, अगर कैल्शियम की कमी होगी तो वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें फ्यूज होने में मुश्किल होगी। तो बहुत आसान है, अगर आपको अगर आपने पढ़ा हुआ है सिंपल सा मैकेनिज्म तो आपको पता है ये प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन है, इसके अंदर ये वेसिकल्स होते हैं, इस वेसिकल को फ्यूज़ होना होता है इस मेम्ब्रेन के साथ, और इसके लिए आता है कैल्शियम। कैल्शियम के दो हाथ होते हैं, एक हाथ से वो पकड़ता है इसे और एक हाथ से वो पकड़ता है इस मेम्ब्रेन को, और दोनों को फ्यूज करवा देता है। तो देखें, ये बैग को लेबल किया हुआ इन्होंने 2 से, ये बैग है, ठीक है, वेसिकल, और मेम्ब्रेन को इन्होंने लेबल किया हुआ है 3 से। देखें, ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये प्री साइनैप्टिक है, तो इसको 3 से लेबल किया हुआ है, तो 2 और 3 जो है ना ये फ्यूज़ नहीं हो सकेंगे अगर कैल्शियम की कमी होगी। और जाहिर है जब ये फ्यूज़ नहीं होंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर बाहर नहीं आएगा, जब न्यूरोट्रांसमीटर बाहर नहीं आएगा तो मैसेज जो है ना वो आगे पास नहीं होगा। द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ एन एग्जॉन, ठीक है, ये एग्जॉन है, ये उसका पार्ट दिया हुआ है, एक्स से लेबल किया हुआ है। इन्होंने कहा एज एन एक्शन पोटेंशियल रीचेस पॉइंट एक्स, फॉर एग्जाम्पल ये सेल बॉडी है, ठीक है, ये डेंड्राइट है, ये न्यूरॉन है पूरा, यहाँ से मैसेज चल रहा था और ये चलता चलता इस पॉइंट के ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेशियम है वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे और कौन से प्रोसेस है। तो भाई बहुत आसान सी बात है, आपको बताया जब भी ये रेस्टिंग न्यूरॉन है इसके अंदर सोडियम बाहर ज़्यादा होता है, पोटेशियम अंदर ज़्यादा होता है, जब इसे मैसेज मिलता है तो सोडियम अंदर आता है, पोटेशियम बाहर जाता है, दिस इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। सोडियम के अंदर आने पर डीपोलराइजेशन होती है, पोटेशियम के बाहर जाने पर रीपोलराइजेशन होती है, दोनों को मिलाकर हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो अगर यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल हो रहा है तो वही काम होगा, सोडियम अंदर आएगा पोटेशियम बाहर जाएगा, तो पोटेशियम पहली बात बाहर जा रहा है तो पोटेशियम विल गो आउट ऑफ द एग्जॉन, ठीक है, तो ये वाले आंसर तो है नहीं, तो पोटेशियम आउट ऑफ द एग्जॉन जाएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर पोटेशियम अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है तो अगर कोई चीज़ मूव करे जो ज़्यादा से कम की तरफ हो और विदाउट एनर्जी मूव करे तो उस प्रोसेस को आप नाम क्या देते हैं, उसे आप सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। तो पोटेशियम बाहर जाएगा और कौन से प्रोसेस से जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए।